हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के बारे में, जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है और जिसकी फ़ीस मात्र $25 है। तो अगर आप भी ये वीज़ा ट्राई करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के लिए भी। मैं इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई। तो जो ये वीज़ा स्टार्ट हुआ है, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये ओनली 3 कंट्री के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप इंडिया से आते हैं, चाइना से आते हैं या वियतनाम से आते हैं, तभी आप इस जो वीज़ा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का रूट बहुत ही सिंपल है। मैं आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगा आप इस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस वीज़ा का नाम है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, सब क्लास 462 में ये आता है और इसकी फ़ीस ओनली $25 रखी गई है, जो बहुत ही मिनिमम फीस है और हर कोई अफोर्ड कर सकता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस लेना चाहता है। तो भाई, एक लॉटरी की तरह ये वर्क जो वीज़ा है वो काम करेगा। आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, अगर आपका लक साथ देता है और आपको सिलेक्ट हो जाते हैं तो आगे का प्रोसेस आपको आगे आपकी ईमेल पे आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे पासपोर्ट सबमिट करना है। सेकंड चीज़ है भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस बैलेट। तो भाई, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपकी एज 18 to 30 के बीच में, आप तभी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 30+ हैं या 18 से छोटे हैं, तो प्लीज़ आप अपना इमी अकाउंट क्रिएट करके अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। तो जिनकी एज 18 to 30 है भाई, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जैसे आप चाइना या इंडिया या वियतनाम से आते हैं, और एक आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो मस्ट है। इंडिया के लिए वो पैन कार्ड रखा गया है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है, आप तभी इस वीज़ा को अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई, सेकंड चीज़, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है वो ही ये अप्लाई कर सकते हैं, और आई थिंक ऑलमोस्ट हर किसी के पास आज के टाइम में पैन कार्ड है और पासपोर्ट है। तो डेफिनेटली आप 18 to 30 के बीच में अगर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको जो वर्क एंड हॉलीडे सब क्लास 462 करके सर्च करना है, उसके ऊपर जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, जिसके साथ आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करोगे। तो आप ईमेल रजिस्टर करके उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है, जो $25 है रखी गई है। तो आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है हर किसी के लिए, और हर कोई अपना लक अपने आप ही ट्राई कर सकता है। तो भाई, बहुत सारे लोगों ने तो इसका भी बिजनेस बना रखा है। मेरा फ्रेंड बता रहा था, एक उसने ऑस्ट्रेलिया किसी से अप्रोच करके पूछा कि इस वीज़ा का क्या क्राइटेरिया है और आप क्या कुछ फीस चार्ज करते हो। तो उन्होंने बोला 50,000 स्टार्टिंग आपको रजिस्टर करने की, और अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो 3 लाख हम बाद में लेंगे। तो भाई, आपको किसी के भी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। एमी अकाउंट क्रिएट करना है, अपने डॉक्यूमेंट डालने हैं, दैट्स इट, और वेट करना है। अगर आपका बैलेट में सिलेक्ट हो जाता है तो आपको ईमेल आ जाएगी, उसके ऊपर ही आपका आगे का सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको किसी को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी थोड़ी सी नॉलेज के साथ, यार हर एक कंट्री इस टाइम पे ऐसे वीज़ा निकाल रही है, तो अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट करने से बच जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना वो वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 1 अक्टूबर से। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे DM कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भाई बता दूंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।